Assalamualaikum. I am your maths teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Now we are going to start our third assignment, which belongs to exercise 1.2, part A. Place these numbers in periods, first in the Pakistani way, second in the international way, by placing the commas correctly. आपकी 1.2 बिल्कुल 1.1 के ही जैसी है, लेकिन उसमें अब एक कॉलम का इजाफा हो गया है, वो है 10 लाख का। पहले आपके जो क्वेश्चन थे वो 6 डिजिट नंबर्स पे थे, अब आपके क्वेश्चन 7 डिजिट नंबर पर हैं। हमने वही पीरियड बनाना है, पीरियडिक चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है आपने उसको पाकिस्तानी वे में चेंज करना है और फिर इंटरनेशनल वे में चेंज करना है। आपका चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यूनिट्स के 3 कॉलम, 1000 के 2 कॉलम, लाख के 2 कॉलम। यूनिट्स की फैमिली में आता है यूनिट 1000, 1000 की फैमिली में आता है 1000 एंड 10,000, लाख की फैमिली में आता है लाख एंड 10 लाख। अब पाकिस्तानी वे की बात करते हैं कि पाकिस्तानी वे में जब हमने ये कॉलम बना लिया, जिस तरह से पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में बनाया था उसी तरह से बनाया है, बस यहाँ 10 लाख में नंबर का इजाफा हो गया है। अब कॉलम बनाने के बाद हम यूनिट के हिसाब से, यानी हर फैमिली, ये इसको हम फैमिली कह देंगे क्योंकि यूनिट के अलग फैमिली, थाउजेंड के अलग और लाख के अलग, हर फैमिली में जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर लाख में हमारे पास 2 नंबर हैं, 94 लाख, हमने 94 लाख, 1000 को टेंस की वजह से 3 10 30 हो गए, 30,000 35,000। उसके बाद 900 9 78। उसके बाद हमने द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का चार्ट बनाना है। ये वाला, इस चार्ट में हमारे पास 3 बॉक्स यूनिट्स के, 3 बॉक्स ही 1000 के और 3 बॉक्स मिलियन के। अब यहाँ मिलियन का इजाफा हो गया है, मिलियन के भी 3 बॉक्स होते हैं। यूनिट 1000 यूनिट्स के बॉक्सेस हैं, 1000 के 1000, 10,000 एंड 100,000 और मिलियन के मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हम इसको इंटरनेशनल वे में चेंज कैसे करेंगे कि इसमें भी वही बात है, हर फैमिली या हर कॉलम का जो भी नंबर का कॉलम है उसके बाद कॉमा लगेगा। यहाँ आप देखें तो मिलियन के बॉक्स में आपके पास सिर्फ 9 है, तो आपने 9 के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद 435 ये लिखकर कॉमा लगाना है, फिर 978 ये लिखकर कॉमा लगाना है। मैं आपको इसको पढ़ना सिखाती हूँ कि आपने इसको पढ़ना कैसे, इस फिगर को। तो ये देखें आपका चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में ये क्या है, 9 मिलियन, ठीक है। तो ये हो गया 9 मिलियन। 435,000, पहले आपने 3 वैल्यूज़ हैं, पहले आपने पहला नंबर ले पढ़ना है, उसके साथ जो उसका उस कॉलम का जो जो फिगर है उसको पढ़नी है। 435, फिर जो फैमिली, पूरी फैमिली का नाम है, क्या है नाम, 1000, 435,000। इसी तरह इसको पढ़ेंगे हम 978। तो ये आपका पार्ट ए है, जो सवाल, ये एक सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है इस असाइनमेंट में। बाकी के 4 सवाल आपने बुक से देखकर सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इसी तरह से चार्ट बनाना है, पाकिस्तानी वे का भी, इंटरनेशनल वे का भी। तो एक सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, बाकी 4 सवाल आपने इस पैटर्न को देखते हुए ही सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या है, राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स प्लेसिंग कॉमास करेक्टली अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी पीरियड्स। तो आप अगर फर्स्ट वैल्यू देखें तो है 14,67,015। इस वैल्यू को जो इन्वर्स है इसको फिगर में करने के लिए, आपको जो मैंने पार्ट ए में टेबल सिखाया पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे, उसको याद करना या उसको अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप इन वर्ड्स को फिगर में चेंज कर रहे होंगे। क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यू मिसिंग हुई जो आपके इन वर्ड्स में नहीं है, फिर उसकी जगह आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि 14 लाख, लाख की 2 वैल्यूज़ होती हैं, लाख एंड 10 लाख, तो 14 लाख हो गया लाख में। उसके बाद 67,000 में भी 1000 के 2 कॉलम्स होते हैं, 1000 एंड 10,000। ये 60 जो है ये 10,000 की इलामत है और ये 7 जो है ये 1000 की। उसके बाद यहाँ 100 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर होती तो 100 यहाँ लिखा हुआ नज़र आता हमें, नहीं है तो हम उसी जगह पर ज़ीरो लगाएंगे एंड 15 15 15। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दिख रहा होगा, 55,05,049। अब ये लिखा हुआ 55 लाख,
तो देखें ये 55 लाख, ये लाख है और ये 10 लाख है, 50 tens में आ गया तो ये 10 और ये लाख, इससे पता चल गया ये 10 लाख है और ये 5 लाख लिखा हुआ है तो ये लाख है। हमने यहाँ लिख दिया 55 लाख, कॉमा लगाया लाख की वजह से। उसके बाद यहाँ 5000 लिखा हुआ है, यानी कि 1000 के दो कॉलम्स होते हैं, 1000 एंड 10000, तो यहाँ सिर्फ 5000 लिखा है जो 1000 का कॉलम है, 10000 नहीं है यहाँ पर, तो उसकी जगह हमने ज़ीरो लगाया। उसके बाद एंड 49, तो यहाँ फिर 100 की वैल्यू मिसिंग है, तो 100 की वैल्यू नहीं है, आप ज़ीरो लगाएंगे एंड 49 का 4949 लिखेंगे। आपके पास ये दो सवाल आपको सॉल्व करके दे दिए गए हैं, इस पार्ट के भी बाकी जो सवाल हैं वो आपको अपनी बुक से सॉल्व करने हैं। और जी, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी रफ कॉपी पर क्या करना है, वही पैटर्न बनाएं, यूनिट अगर पाकिस्तानी में लिख रहे हैं तो यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 10 lakh, 10 lakh। इसके लिहाज से आप क्या करेंगे, आपके पास जो जो नंबर्स हैं आप इसमें उसको पुट कर लेंगे, फिर जो रह गया वहाँ पर ज़ीरो लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ लाख और 10 लाख में 14 लाख लिख रही हूँ, तो 1414 कॉमा लगाया, उसके बाद 67000, 60 tens की वैल्यू है, 7 जो है वो 1000 की वैल्यू है, कॉमा लगाया, उसके बाद एंड 15 का मतलब 1515, 1 tens में जाएगा और 5 यूनिट में जाएगा, कौन सी वैल्यू मिसिंग है, 100 की, ज़ीरो लगा दिया। इसी तरह से आप एक रफ पेज पर इन तमाम इनवर्ड्स को पहले इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप उसको अपनी फेयर कॉपी पर इस तरह लिखें, ठीक है। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं, जब जैसे पार्ट ए बी जो था वो पाकिस्तानी पीरियड्स में कन्वर्ट करना था, अब सी जो है वो इंटरनेशनल पीरियड में कन्वर्ट करना है। राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स प्लेसिंग द कॉमास करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पीरियड्स। तो इंटरनेशनल पीरियड के लिहाज से हम यहाँ इंटरनेशनल का टेबल बनाते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 100000 एंड मिलियन, जहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा, फिर हम यहाँ लिख दिया करेंगे फेयर कॉपी में। ये फेयर कॉपी में नहीं करना, यह आप एक रफ पेज पे कीजिएगा, ताकि आपका ये जो आंसर बनाना है हमने ये यहाँ बन जाए, तो हम यहाँ लिख लें 2,905,000। अब देखें ये 2 मिलियन लिखा हुआ है, हमने यहाँ मिलियन की जगह 2 मिलियन लगा के कॉमा लगा दिया, उसके बाद कह रहे हैं 905,000। अब ये जो 100 है ये यूनिट 1000 वाला नहीं है, इसकी पहचान हमें कैसे पता चली कि 100 के बाद यहाँ पर एक 1000 लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया ये 100,000 है। तो 900 का 9, ठीक है, एंड 5000। अब यहाँ 10,000 की वैल्यू नहीं है, अब 10 की वैल्यू आपको कैसे पता चलती है कि या तो 10 लिखा होगा, 20, 30, 40, 50, यानी जिसके साथ टी वाई टी टेंस की वैल्यू लिखी होती है वो यहाँ आता है, तो वो यहाँ नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, ज़ीरो, और ये क्या हो गया, 5000 का 5, फिर हमने कॉमा लगाया। उसके बाद 384 का 8 tens में आ गया और ये 4 यूनिट में चला गया। तो इस तरह से आपने ये अपना पहला सवाल सॉल्व किया। अब दूसरा भी बहुत ईजी है, देखें 3 मिलियन 3 में आ गया, कॉमा लगाया, अब लिखा हुआ है 94,000, जबकि आप अगर इसमें गौर करें इस पीरियड पर तो 90 जो है वो तो 10,000 का हो जाएगा और 4 जो है वो 1000 का हो जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया 9 और ये 4, बच क्या गया 100,000, यानी इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी जगह 0 लगा दिया। उसके बाद एंड 4, अब 4 जो है वो तो यूनिट है, वो तो यहाँ आ गया, कौन सी वैल्यूज नहीं है, ना 10 है ना 100 है, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। अगर आप इस टेबल को रफ में बना के इसकी मदद से काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो वैल्यूज नहीं होंगी उस जगह 0 लगाना है, बस ख्याल ये रखना है कि आपका टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये दो सवाल भी आपके पार्ट सी के यहाँ सॉल्व हुए हैं, बाकी आपके जो 5 सवाल होंगे या जो भी सवाल नोट में जितने सवाल लिखे हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, इन दो के बाद वो 5 सवाल भी सॉल्व करने हैं।
अब हम पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी में क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट फर्स्ट इन द पाकिस्तानी वे, सेकंड इन द इंटरनेशनल वे। ये जो आपको कलर डिजिट है, ये जो सर्कल में बना हुआ है, इसको आपने कलर, यानी जो सर्कल है वो कलर में आपने शो करना है, तो वो कलर डिजिट बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपने पाकिस्तानी वे में सॉल्व करनी है पहले, और फिर इंटरनेशनल वे में, यानी कि इस सिर्फ सर्कल की वैल्यू बतानी है, सिर्फ सर्कल की। लेकिन इसको बताने के लिए भी पहले आपको अपना पूरा जो पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट है उसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व आप इस तरह करेंगे कि देखें, आपने नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद आपने इसको पाक वे का जो हमारा टेबल था उस तरह लिख लिया, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, lakh and 10 lakh। तो इसका मतलब है ये जो कलर डिजिट है हमारा, ये जो हमारा कलर डिजिट है ये किस में आ गया, 9 lakh में। तो हम इसको क्या करेंगे, इन वर्ड्स में भी लिखेंगे और फिगर में भी लिखेंगे, यानी हम इसकी स्पेलिंग भी करेंगे 9 lakh, और करके 9 lakh। देखिए 9 lakh है, 9 के बाद कॉमा और ये lakh के 5 0 है, ठीक है, 9 के बाद कॉमा और lakh के फिर ये 5 0, 2 कॉमा फिर 3, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखें, अब हमने इंटरनेशनल वे में चेंज करना है, तो हमने इसका जो चार्ट है पीरियड जो है वो इंटरनेशनल वे में लिख लिया है, नंबर उतारा, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 100000 and million। तो इसका मतलब है ये जो हमारा सर्कल है ये किस में है, 9 किस में आ गया, 100000 में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 900000, इन वर्ड्स में लिखा 9, उसके साथ 100 लगाया, DRED 100000, ये तो हो गई इनवर्ड्स। अब बात करते हैं फिगर की, तो देखें फिगर में चेंजिंग क्या है, हमने यहाँ लिखा 900, फिर कॉमा लगा के 1000 के 3 0। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो लैक और मिलियन में, सॉरी 100000 में 5 ही 0 हैं, लैक में भी 5 0 हैं और 100000 में भी 5 0 हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, कॉमास का। अगर कॉमास सही नहीं लगेंगे तो वैल्यूज जो हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। तो इधर देखें, हमने 9 lakh लिखा था तो 9 के बाद कॉमा लगाया था और फिर 5 0 हमने लैख के लगाए थे, यहाँ हमने 900000 लिखा है, तो 900 लिखकर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 3 0000 के लगाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा 100000 और लैख में, क्योंकि 100000 में 9 के बाद कॉमा नहीं आएगा, वो पूरा 900 लिखा जाएगा और फिर 1000 के 3 0 आएंगे, जबकि 9 lakh में 9 के बाद कॉमा आके फिर लो लैक के 5 0 आएंगे, और यहाँ पर सॉरी 100000 में 1000 के 3 0 आएंगे। इस तरह से आपके ये चारों पार्ट हो चुके हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही काम कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए गए हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, तो आपने इनके साथ साथ जो नोट में क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, देखिए नोट में है पार्ट ए क्वेश्चन 1 to 5। अब देखें, एक सवाल हमने आपको सॉल्व करके दिया है, बाकी रह गए 4 सवाल, तो वो आपने करने हैं। पहले आपने जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए सॉल्व करके वो करें, फिर अपनी बुक से 4 सवाल और करने हैं। इसी तरह पार्ट बी के 1 to 7, 2 सवाल हमने करके दिए हैं, बाकी 5 पार्ट आपने करने हैं पार्ट बी से, और ये सारा काम बुक से देख के करना है। पार्ट सी में क्वेश्चन 1 to 7 लिखा हुआ है, 2 सवाल धन करके हमने आपको दिए हैं, बाकी 5 सवाल आपने खुद करने हैं, और पार्ट डी से भी 5 सवाल करने हैं, 1 सवाल हमने आपको ये ऐसा ये सॉल्व कर दिया है और बाकी 4 आपने सॉल्व करने हैं। बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, और देखें ये एक ही सवाल है, 1 सवाल के 2 पार्ट हैं, यानी कि इसी नंबर को आपने पहले पाकिस्तानी वे में करना था, फिर इसी नंबर को आपने इंटरनेशनल वे में करना था। सफाई से काम करें, जिसको एक्सरसाइज 1.1 समझ नहीं आई थी, अगर उसने इसको क्लियर समझ लिया है तो उसको 1.2 जिसने क्लियर कर लिए तो उसे 1.1 भी समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।